अब बात उत्तर प्रदेश के मीरगंज की, जहां एक शख्स ने सत्ताधारी जिला पंचायत सदस्य के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। युवक का कहना है कि उसके घर में घुसकर उसकी पत्नी के साथ गैंगरेप किया गया। साथ ही युवक ने यह भी आरोप लगाया कि जब वो पुलिस में इसकी शिकायत करने के लिए जा रहा था तो उसके साथ मारपीट की गई। घायल हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि युवक की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सत्ता के नशे में चूर नेता का कारनामा, गांव के युवक पर किया जानलेवा हमला। नेता के हमले से युवक गंभीर रूप से घायल। गंभीर घायल युवक का चल रहा इलाज। युवक की पत्नी से गैंगरेप करने का नेता पर आरोप। अस्पताल के बेड पर सिर में पट्टी बांधकर जो युवक लेटा है, ये इस पीड़ित महिला का पति है जिसके साथ इलाके के जिला पंचायत सदस्य ने गैंगरेप किया और शिकायत करने पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक का एक हाथ और पैर टूट गया। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। युवक के साथ इस कदर मारपीट की गई कि उसका सिर भी फट गया। घायल युवक ने सत्ताधारी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य के ऊपर कई संगीन आरोप लगाए हैं। युवक की माने तो पहले उसके घर में घुसकर तमंचे की नोक पर उसकी पत्नी के साथ गैंगरेप किया गया और जब इसकी शिकायत करने वो थाने जा रहे थे तो उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। डॉक्टर्स की माने तो अभी युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। मामला एक लड़ाई झगड़े का आया था, धर्मेंद्र नाम का पेशेंट था, तो उसके लिए काफी मतलब हेड इंजरी थी और सीरियस था थोड़ा, तो उसके लिए फर्स्ट एड देके रेफर किया गया। सर में चोट थी और सीधे हाथ में और सीधे पैर में फ्रैक्चर हुआ। मामले में सबसे बड़ी लापरवाही पुलिस की नजर आई, जिसने पीड़ित परिवार की मदद करने के बजाय उन्हें थाने से भगा दिया। पीड़ित परिवार अब खौफ के साए में जीने को मजबूर है। पीड़ित की माने तो वो आरोपियों के निशाने पर है जो उनके साथ कभी भी हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार सकते हैं, लेकिन उनको सुरक्षा कब मिलेगी और सुरक्षा कौन देगा कहना मुश्किल है। टीवी 100 के लिए मीरगंज से आदेश की रिपोर्ट।